तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का एक कमाल का हिडन फीचर बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं गुड लक मॉड्यूल के एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है नाइस कैच ऐप। दोस्तों इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ नाइस कैच ऐप के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया और आपको कुछ थोड़े से यूज करके बताने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता कि नाइस कैच ऐप होती कैसे और कैसे इसको यूज करेंगे, आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो उसकी मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां जाना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गुड लक ऐप में, अगर आपके पास गुड लक ऐप नहीं है तो मैंने पहले भी गुड लक ऐप के बारे में बताया, तो आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है माय फैमिली वाले, या बोल सकते हैं फैमिली वाले ऑप्शन पे। जैसे ही आप इस पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऐप मिलेगी नाइस कैच ऐप नाम से, ये ऐप आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना, अगर है तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे एन वाले, उस पर ऑटोमेटिक आपको वो गैलेक्सी स्टोर पर ले जाएगा और आपको ये अपडेट करने को बोल देगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट में है क्या है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ व्हाट्स न्यू पे, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखेंगे सपोर्ट कर दिया गया है 1UI 4.11 पे, और साथ में इम्प्रूव कर दिया गया है इसका लेआउट एंड परफॉर्मेंस को, यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है। तो मैं पहले आपका इसको ले आपको पहले इसका लेआउट दिखा देता हूँ और बाद में अपन इसको अपडेट कर लेते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ओपन कर लिया, तो इसका लेआउट आपको ऐसा दिखेगा। अब मैं कर लेता हूँ इसको अपडेट। अपडेट करने के बाद बताऊँगा एक्चुअल में इसका यूज ऐप का क्या है और क्या आप इसका तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पर एन पे क्लिक करके इसको कर लेता हूँ अपडेट। तो अपडेट करने के बाद आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप देखेंगे ये अपडेट कब आया था, जो कि 4 जुलाई को यहाँ पर रोल आउट किया गया है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों नाइस कैच ऐप होती क्या है दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है कैच का, तो ऐसे ये काम करता है। ये ऐप काम ऐसे करता है कि जो भी आपके मोबाइल में सेटिंग्स चेंज होंगी या कोई भी वाइब्रेट होगा या स्क्रीन में पॉपअप होगा, तो ऑटोमेटिक वो पूरा रिकॉर्ड रखता है कि आपका मोबाइल कब कब अनलॉक हुआ, कब कब आपका मोबाइल वाइब्रेट हुआ, कब कब उसमें ट्यून बजी। तो एक एक चीज की आपको यहाँ पर पूरी स्ट्रीम मिल सकती है। तो बहुत ही काम का वाला ऐप काम करता है। कभी कभार हमें लगता है कि हमें देखना है कि हमने कब वॉल्यूम कम करा था, कब हमने अपने वाइब्रेट कर दिया हमने मोबाइल को, कब हमने साउंड पे करा या कब कितनी बार हमने अपने मोबाइल को अनलॉक करा। तो एक एक चीज आपको यहाँ पर डिटेल मिलेगी और इवन टाइम के साथ कैसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर दिया है वाइब्रेट हिस्ट्री, वाइब्रेशन हिस्ट्री। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने अपना मोबाइल कब वाइब्रेट हुआ था 10 मिनट पहले, क्योंकि मैंने अभी इसको ऑन कराया, पहले ऑफ कर दिया था, अभी ऑन कराया तो 10 मिनट पहले ये वाइब्रेट हुआ था। अब मैं आपको एक बार इसका यूज करके बताता हूँ कैसे। लाइक मैंने यहाँ पर अभी इसको नॉर्मल भी कर दिया, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ साउंड पे और अब मैंने इसको वाइब्रेट पे कर दिया। अब वाइब्रेट आने के बाद वाइब्रेशन पे जाऊंगा तो आप देखेंगे अब भी जस्ट वाइब्रेट हुआ, आपको एन का साइन मिल जाएगा और टाइम और सेकंड के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा कब आपका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। ऐसे ही अगर नीचे आएंगे रिंग मोड हिस्ट्री, आपका मोबाइल कब कब रिंगिंग हुआ, कब कब साउंड हुआ नॉर्मल, एक एक चीज आपको टाइम मिल जाएगा, कितनी बार फोन बजा, सब चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। कॉल मोड हिस्ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एक चीज मिलेगी, कब कब कॉल आया, कब कब क्या हुआ, सारी चीजें आपको ऐसे मिलेंगी। ऐसे यहाँ पर अगर आप जाएंगे मीडिया वॉल्यूम पे, कब मैंने अपने मोबाइल को म्यूट करा था, एक एक चीज। अगर मान लो मैंने म्यूट से इसको हटा दिया, अब वापस आके आप देखेंगे अभी म्यूट से हट गया। अब मैं वापस इसको म्यूट करूंगा मोबाइल को, तो आप देखेंगे फिर आपको यहाँ पर हिस्ट्री में सेव हो जाएगा कि कब कब आपने अपने मोबाइल को म्यूट और अनम्यूट किया। उसके बाद टोस्ट हिस्ट्री, जब भी आपके पास कोई पॉपअप का मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि कब आपके मोबाइल पे पॉपअप मैसेज आया था, कब आपने उसको यूज करा ऐसे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कितनी बार आपके मोबाइल में कमर्शियल ऐड आई, तो ये भी आपको बताने वाला है कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं कि हमें देखना पड़ता है कि यार हमारे पास कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है दिन भर में। तो आप इस ऐप को जाके देखेंगे तो आपको बताएगा, ये लास्ट 7 डेज का डेटा यहाँ पर सेव होता है, 7 दिन के अंदर आपके पास कौन सी ऐप ने कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट दी, आपको सब यहाँ पर आपको विजिबल होगी, कितने टाइम पे आई सब आपको यहाँ पर दिखेगी। ऐसे ही यहाँ पर आएगा स्क्रीन बैकअप हिस्ट्री कि आपने अपने मोबाइल को कितनी बार अनलॉक किया। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये हिस्ट्री मैंने कब करी थी, 5 घंटे पहले मैंने इसको अनलॉक किया था, फिर एंड्रॉयड सिस्टम ने अपडेट किया, फिर कॉल आया, फिर एंड्रॉयड सिस्टम आया, ये सब चीज़ें आपको एक एक चीज़ की मिल जाएगी। लास्ट मैंने अभी इसको अनलॉक किया 3 मिनट पहले, तो एक एक चीज़ की हिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद सेटिंग चेंज हिस्ट्री कि कब कब आपने अपने मोबाइल की सेटिंग चेंज करी। लाइक मैंने बिक्सवी रूटीन ऑन करके रखा हुआ है, तो बिक्सवी रूटीन ऑन हुआ, ऑफ हुआ, ऑन हुआ, ऑफ हुआ,
साउंड ऑन हुआ ऑफ हुआ ये दिख रहा है, दिख रहा होगा साउंड मोड, साउंड मोड, वाइब्रेट, ये चेंज मैंने अभी किए थे तो ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पर सेव होती जाती। मतलब कि ये काम ऐसा करते कि हमें देखना हो कि हमारे मोबाइल पे कौन कौन सी सेटिंग कब कब चेंजेस हुई, तो आप यहाँ पर इस ऐप में आइए, बकायदा आपको सारी एक एक चीज़ की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मुझे तो यार ये यूज़ लगता है कि कभी हम किसी को मोबाइल देते हैं अपना तो इसको ऑन करके देते हो तो सारी हिस्ट्री हमें यहाँ पर सेम मिल जाएगी, तो ये मुझे तो सही लगता है। अब इस अपडेट के बाद क्या चेंजेस किया, इस अपडेट के बाद कुछ नहीं करा उन्होंने, इसको कैटराइज कर दिया गया। जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन वाला आइटम लिखा है तो ये साउंड से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है आपको ऊपर मिलेंगी, स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग्स है सब आपको यहाँ मिलेगी, और अदर सेटिंग आपको यहाँ मिलेगी। पहले क्या होता सिंपल सारी सेटिंग्स होती थी वो भी मैं बता देता हूँ, मैंने स्क्रीन शॉट लिया था, जैसे ये मैंने गैलरी का स्क्रीन शॉट लिया, पहले क्या है कोई ऊपर वॉच नहीं है, सीधी डायरेक्ट आपको डिटेल मिल रही है, और अपडेट के बाद क्या कर दिया गया है उसको वहाँ पर कैटराइज कर दिया गया, तो ये अपडेट किया गया है। तो दोस्तों यही नया अपडेट था और इस ऐप को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो मेन चीज है, लोग मेरे चैनल को देखते तो हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज यार ऐसा मत करा करो यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया करो और साथ में नोटिफिकेशन ब्लैक आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।